पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत को युद्ध की धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खगान अब्बासी ने भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा आक्रामक रुख अख्तियार करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। बट इफ इंडिया डज वेंचर अक्रॉस द LOC और एक्ट्स अपॉन इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इट विल इवोक अ स्ट्रॉन्ग एंड मैचिंग रिस्पॉन्स। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एक्ट डिसाइसिवली टू प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम अ डेंजरस एस्केलेशन। मिस्टर प्रेसिडेंट, करीब 20 मिनट के अपने भाषण में अब्बासी ने 4 मिनट से ज्यादा कश्मीर का राग अलापा। अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिक्स देशों के मंत्री स्तर की बैठक में सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकी संगठनों को ऐसे देशों से मदद और शरण मिल रही है जिन्होंने आतंकवाद को अपना हित पूरा करने के लिए साधन बना रखा है। सुषमा ने नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह है। सुषमा ने कहा कि आतंकियों के नेटवर्क, पैसों, हथियारों की सप्लाई रोकने और राजनीतिक समर्थन बंद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के RSपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने 12 घंटे में ही दूसरी बार सीज फायर तोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार की देर शाम अरनिया और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। BSF ने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का करारा जवाब दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से बुधवार की देर रात को शुरू हुई फायरिंग गुरुवार की सुबह तक जारी रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी 20 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी से वडोदरा के लिए नई महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ा लालपुर में बुनकरों की सुविधा के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, रामनगर सामने घाट पुल और बलुआ घाट पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा रमना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को एक स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शहशाहपुर गांव में पशुधन आरोग्य मेले की शुरुआत करने के बाद किसानों को कर्ज माफी और प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्टिफिकेट बांटेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान सीएम मोदी दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगे। पीएम मोदी मंदिर में नारियल और चुनरी का प्रसाद चढ़ाएंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी दुर्गा कुंड का निरीक्षण करेंगे और कुछ वक्त दुर्गा कुंड के किनारे बिताएंगे। तो ये है कि कोई भी यात्री, जैसे प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके हाथ से माता को श्रृंगार कराया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, दुपट्टा ओढ़ाया जाएगा, उसके बाद टीका चिन्ह लगाया जाएगा, आरती कराया जाएगा, ये पूजा पाठ होगा उनके साथ। इससे पहले पीएम मोदी तुलसी मानस मंदिर भी जाएंगे। यहाँ मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री रामायण पर डाक टिकट जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार मूर्ति विसर्जन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार की ओर से फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। 1 अक्टूबर को मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन पर रोक के ममता सरकार के फैसले को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुहर्रम के दिन भी रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन होगा। कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा, सरकार के नाते आपके पास अधिकार है लेकिन इनका असीमित इस्तेमाल नहीं कर सकती। आस्था में दखल अंदाजी ठीक नहीं है। सरकार अपने सभी नागरिकों को बराबरी की नज़र से देखे। कोर्ट ने पूछा, प्रतिबंध तो आखिरी विकल्प होता है, आपने इसे सबसे पहले इस्तेमाल क्यों किया? हाई कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया कि वो मूर्तियों और ताजियों के रूट तय करे, साथ ही पुख्ता पुलिस बंदोबस्त भी करे। कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री दुर्गा पंडाल पहुंची, बोली कि ये तुष्टिकरण है तो वो करती रहेंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस नाबालिग से गैंगरेप की वारदात के 16 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस पर मामले को दबाने और पीड़ित पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लग रहा है। वारदात के 12 दिन बाद 18 सितंबर को मामले की FIR दर्ज की गई है। इन्होंने मेरे अंकों पर पट्टी बांधी, फिर मुझे नहीं पता ये आ गया था जगह पर, मुझे इन्होंने 10 दिन के लिए रखा जहाँ इन्होंने मेरे साथ में बलात्कार किया और मुझे मास्क खिलाते रहे जिससे मुझे उल्टियाँ लगती रही और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते रहे कि इस्लाम कबूल कर ले, हमको तुमसे शादी करनी है। पीड़ित भोपा थाने की बेलडा गाँव की रहने वाली है। आरोपों के मुताबिक गांव के ही 4 लड़कों अकरम, असलम, सलीम और अयूब ने 6 सितंबर को लड़की को लिफ्ट देने के बहाने अगवा किया और 10 दिन तक उसके साथ रेप किया, जबरन मांस खिलाया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की।
रेप के मामले में सजा काट रहे राम रहीम के खिलाफ हत्या के दो मामलों में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज भी सुनवाई करेगी। केस में दोनों पक्षों के बीच अंतिम बहस चल रही है। इस बीच फरार हनीप्रीत की तलाश में छापेमारी जारी है। हरियाणा पुलिस की टीम गुरुवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को हनीप्रीत के गुरसर मोड़िया गांव के एक स्कूल में देखे जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। ये सर्च करने आए थे, सर्च किया है लेकिन मिली नहीं। सब जगह सर्च कर लिया, गर्ल्स हॉस्टल में कर लिया, पुराने डेरे में कर लिया, इस नए घर में कर लिया, बाकी तफ्तीश चल रही है, कर लेंगे। नेपाली जांच एजेंसी CIB ने भी फिलहाल हनीप्रीत के नेपाल में होने की आशंका से इनकार किया है। मेक इन इंडिया के तहत बनी स्कॉर्पियन सीरीज की पहली पनडुब्बी कलवरी जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। मुंबई के पास मंझगांव डॉक पर पनडुब्बी को नौसेना को सौंप दिया गया है। कलवरी टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले कर सकती है। स्कॉर्पियन सीरीज की कुल 6 पनडुब्बियां देश में बनाने का प्लान है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का प्रोजेक्ट मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी नवल ग्रुप के सहयोग से चलाया जा रहा है। कलवरी को 2012 में ही नौसेना में शामिल करने का प्लान था, लेकिन इसमें 5 साल की देरी हो गई है। टीम इंडिया ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है। कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच भारत ने 50 रनों से जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 253 का लक्ष्य दिया था। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 92 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 202 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने वनडे करियर की पहली हैट्रिक ली। ऐसा करने वाले कुलदीप यादव भारत के तीसरे गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत 2-0 से आगे है।